और इस बीच बड़ी खबर, चंडीगढ़ में कांग्रेस ने हरियाणा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन घोषणा पत्र कार्यक्रम में कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला दिखाई नहीं दिए हैं। मंच पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ अशोक गहलोत यहां पर मौजूद रहे, लेकिन पार्टी से नाराज चल रही कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, इस कार्यक्रम से उनकी दूरी बनी रही है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अभी भी कुमारी सैलजा की नाराजगी दूर नहीं हुई है। तो ये तस्वीरें आप चंडीगढ़ से देख पा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कई बड़े दावे और वादे जो हैं इस घोषणा पत्र में कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं, लेकिन बड़ी बात ये रही कि यहां पर कुमारी सैलजा जो है वो मंच पर नजर नहीं आई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, उदय भान आपको नजर आएंगे, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको नजर आएंगे, अशोक गहलोत आपको नजर आएंगे, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई हुई है। और ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कुमारी सैलजा की नाराजगी अभी भी दूर नहीं हो पाई है। तो ये तस्वीरें आप चंडीगढ़ से देख पा रहे हैं, जहां पर हुड्डा की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया है, कार्यक्रम से कुमारी सैलजा ने एक बार फिर से दूरी बनाई है। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब कुमारी सैलजा ने किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम से, यानी कि कांग्रेस के किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम से दूरी बनाई हो। चुनाव प्रचार के दौरान भी वो कई मंचों पर नजर नहीं आई है। चमन पलानी हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चमन, पहले तो ये बताइए कि घोषणा पत्र में क्या मुख्य बातें रही है, लेकिन कुमारी सैलजा का यहाँ पर भी नहीं आना, क्या संकेत? जी मोनिका, देखिए कि आज कांग्रेस का जो था वो दूसरा घोषणा पत्र जो था, संपूर्ण घोषणा पत्र आज चंडीगढ़ में जारी किया गया, जिसमें कांग्रेस की जो पूर्व मुख्यमंत्री जो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो मौजूद रहे, और उनके जो अध्यक्ष थे उदय भान, और अगर हम बताएं तो राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस घोषणा पत्र के कार्यक्रम में मौजूद हैं। और अभी अभी कुछ ही देर पहले जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पत्रकारों ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक जनसभा में जरूरी जाना पड़ा, तो वो अभी कॉन्फ्रेंस के बीच में ही जो है वो चले गए यहाँ से। लेकिन इस कार्यक्रम में सुरजेवाला और कुमारी सैलजा जो है वो नहीं पहुंचे हैं। हालांकि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसकी जो फ्रंट पेज पर अगर हम देखते हैं तो उससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ जो है कुमारी सैलजा और सुरजेवाला के साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा की फोटो भी है, लेकिन वो इस घोषणा पत्र में यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। और अभी जो सैलजा की जो नाराजगी है वो जाहिर होती है कि जिस तरह का इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर जो आज रखा गया था चंडीगढ़ में, जो संपूर्ण कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया है, उसमें वो नहीं पहुंचना, इससे साफ जाहिर होता है कि सैलजा जो है अभी भी कांग्रेस पार्टी से जो है थोड़ी नाराज जो है वो चल रही है। लेकिन चमन, आज तो घोषणा पत्र जारी करना था और इतने बड़े कार्यक्रम में कुमारी सैलजा का नहीं आना, रणदीप सिंह सुरजेवाला का नहीं आना, और ऐसे में इससे पहले भी हमने देखा है चुनावी रैलियों से भी वो दूरी बना रही है। जी मोहित, देखिए जिस तरह से सैलजा जो थी वो 13 दिन के बाद जो था वो चुनावी रैली में जो है नजर आते थे, लेकिन उसके बाद भी वो उन रैलियों में पहुंचती है जहां पर जिस दिन ये रैली हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुरजेवाला, लेकिन उस पे रैली पर जो थे राहुल गांधी भी मौजूद थे, उसके बाद सुरजेवाला का एक प्रोग्राम था वहां पर जो कुमारी सैलजा थी उन प्रोग्रामों में पहुंचती है, लेकिन हुड्डा के प्रोग्राम में जो है सैलजा का जो बिल्कुल एक बार फिर से चमन, यहाँ पर कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस की जो आपसी कला है वो सामने नजर आ रही है। लेकिन तीन तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे यहाँ पर नाराजगी जो है वो कुमारी सैलजा हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला की एक बार फिर से नजर आई है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है।